के बारे में ज्यादा क्लैरिटी। ये फरमाया कि आपने जो सीसी की मीटिंग हुई थी उसमें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अदम एतमाद का इजहार किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो इतने दिन जो गुजरे हैं इसमें कुछ ऐसे कुछ सीवीएम्स नजर आए हैं जिनकी आप रिक्वायर कर रहे थे? मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जो हमने उस दिन सी सी में जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराजात हैं उस पे हमने सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारे एतराजात को दूर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार दिया गया है तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं फिर आपके सामने हर दिन वो शिकायतें बार बार रख लूँ। तो हम वालिद साहब को इतना स्पेस और इतना मौका दे कि हमारा कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है मेरे ख्याल पे आप सबको नजर आ रहा है। ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। मैं एस्टेब्लिशमेंट कानून और आईन के मुताबिक चलेंगे और कानून के तरीके से वो इलेक्शंस में अपना इंशाल्लाह ताला हिस्सा देंगे। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजिशन है वो वाजे हैं। वहाँ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए, तो उस मुतालबा को तो मैं जरूरियत रहे। पंजाब कौन आप कोई मेरा ये वरना आप कर लेना कोई 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 मेरा उम्मीदवारों को क्या ये पीपल्स पार्टी